हाय बच्चों, लॉकडाउन में तो ट्यूशन सब बंद हो गए हैं, तो मैं बच्चों को घर में जब एक्सप्लेन करती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, मैंने सोचा क्यों नहीं दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं 7th ग्रेड का बाल भारती इंग्लिश का फर्स्ट लेसन जो है पोएम, उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाली हूँ। आप कमेंट करके बताइए आप लोगों को और क्या डाउट्स है, या आपसे आपको कुछ पूछना है या बताना है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि दूसरे बच्चों को हेल्प हो सके। ठीक है, चलो फर्स्ट लेसन पे जाएंगे। फर्स्ट लेसन इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये पोएम है। इसमें चलो देखते हैं पोएट ने क्या कहने की कोशिश की है। टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी। एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विद अ विंड दैट साइज मॉर्नफुली। इसमें पोएट एक हंसते मुस्कुराते बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पास्ट मतलब जो गुजरा हुआ कल कैसा था। तो बच्चे ने कहा वो एक ऑटम इवनिंग की तरह एकदम मुलायम सा, कोमल सा, सॉफ्ट सा, हल्की सी हवा वाली कैसे रहती है जब हम पतझड़ के मौसम में बाहर जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, कितना अच्छा लगता है। तो बच्चा उस चीज़ को उसके पास्ट के साथ कंपेयर करके बोला है। नेक्स्ट क्या है, टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट हावर। तो नेक्स्ट टू पॉइंट उस बच्चे से पूछ रहे हैं कि अभी प्रेजेंट प्रेजेंट आर अभी जो आप अभी का जो प्रेजेंट है वो कैसा है। अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। तो बच्चे ने कहा ऐसा लग रहा है एक एक जो फूल खिला हुआ है, एक ग्रीन हरी हरे हरे भरे झाड़ में जिसमें फूल खिले हुए हैं, उसकी डाली में एक छोटा सा परिंदा पंछी जो बैठ के अपना पूरा ताकत इकट्ठा कर रहा है ताकि वो उड़ सके। मुझे अपना प्रेजेंट ऐसा लगता है, वो बच्चे ने बोला है। बच्चे तो आगे फ्यूचर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसको उसने कंपेयर किया किसके साथ, एक छोटी पंछी जो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके उड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अभी थर्ड पैरा में क्या है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन। तो पोएट पूछ रहे बच्चे से क्या फ्यूचर कैसा होगा तुम्हारा, हैप्पी वन, खुशहाल होगी, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हो। तो बच्चे ने कहा अ सी बेनेथ अ क्लाउडलेस सन, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी। मतलब सी मतलब क्या होता है, समुंदर। क्लाउडलेस सन आसमान जो होता है उसमें बिल्कुल भी बादल ना हो, एकदम ब्लू सी, एकदम क्लियर सी आसमान को क्लाउडलेस कहते हैं हम। उसमें एक चमकता हुआ सूरज, माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी। माइटी मतलब जहां जहां दूर तक आप देखें वो सी ही सी दिखता है। सी के ऊपर जब सूरज रहता है तो सूरज का जो प्रतिभा होता है वो चमकता है सी के ऊपर, तो बहुत ग्लोरियस लगता है। स्ट्रेंथिंग इनटू इन्फिनिटी मतलब उसका कोई एंड ही नहीं होता है, ऐसा उसका फ्यूचर उसको नजर आ रहा है, एकदम चमकता हुआ जिसका कोई खात्मा ना हो, ऐसा एकदम बहुत अच्छा उसको फ्यूचर नजर आ रहा है। तो बच्चे यही है इसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि मैंने अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो आप लोगों को समझा होगा। थैंक यू, बाय।